आज क्यों लगाया है? पर्पस इज रिकवर्ड. रिकवर्ड नॉट जस्ट इन फैक्ट माय लॉर्ड बट रिक्वायर्ड टू गिव पर्पस इज दैट दे वर नॉट गोइंग टू कैप माय लॉर्ड डायरेक्टेड फॉर द अथॉरिटी देन दे आर गॉन. It is really an alarming situation that Nebius Corpus when Honorable को direct then फिर पहले से टीम वहां थी कल शिवान के डायरेक्शन में आज वो जल्दी एसजीओपी. यस, ऐसा क्या हुआ एक रात में लड़की एकदम से मिल गई तुमको? टीम सर ऑलरेडी सर गई हुई थी सर, तो कल दिन शाम को सर रिकवर हो लुधियाना से. इसका मतलब ये है कि असंभव कुछ नहीं है, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए. और जब तक हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ तब तक आपको अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं हुआ. 27/7 का ऑर्डर है और ये ऑर्डर शायद आज पेपर में भी छपा है और लड़की आज दस्तियाब हो गई. ऐसा आप हर केस में किया करो तो हम लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन महीनों सालों बच्चे गायब रहें और खाना पूर्ति के लिए कंप्लायंस रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करोगे तो एडवर्स ऑर्डर होएगा ही होएगा. ऐसा करने से तो पब्लिक का विश्वास ही बढ़ेगा ना आपके ऊपर. कहाँ मिली बच्ची है आपको? सर लुधियाना में किराए से रहे थे लड़के के साथ. आप तो बिहार में ढूंढ रहे थे इसको और बोल रहे थे कि उसका फादर जो है वो दिल्ली में किसी फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री का नाम नहीं पता उनको. आज दिल्ली दूर हो गया, बिहार कहीं चला गया, लुधियाना पहुंच गए. तो संभावना सर बोलते हैं तभी तो ट्राई करते हैं. संभावना बताना तो चाहिए ना, कहाँ ट्राई कर रहे हो? बताते हो हम बिहार में ट्राई कर रहे हैं और पकड़ते हो लुधियाना से. चलो अच्छा हुआ तुम ले आए उसको, इसके लिए तुम We appreciate the efforts made by the police. Yes. बच्चे आप कितने साल के हो? कहाँ गायब हो जाते हो, सबको सरदर्द बन जाते हो? है कोचिंग पढ़ने गई थी तुम और तब से तुम गायब हो गई. तुम्हारे माँ बाप परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, पुलिस वालों को परेशान करते हैं हम लोग. या उनको बोलते हैं कर यानी ऐसा बचपना क्यों करती हो? क्या प्रॉब्लम है तुमको? तो क्यों गई तुम घर छोड़ करके? गलत बात है ना. अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो अपने आप को पीटा करो. यानी माँ बाप तुमको घर में, तुम माँ बाप की घर की इज्जत हो और बिना बताए निकल गई तुम. कितनी उम्र है तुम्हारी? सर, मेरी 18 हो गई. उस वक्त तो कितनी रही होगी? शी वाज माइनर. यस, 18 इयर्स. तब ये गलत बात है इस तरीके से करना. ये ऐसे ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए आप लोगों के अंदर. भाग गए घर से और क्या फेसबुक में दोस्ती करी थी? ये बच्ची लड़का बिहार का लड़का वहां कैसे पहुंच गया? मुरैना में आया ना, कहां पे थी? अम्बा. वहां कैसे पहुंचा ये लड़का? हाँ तो कहां से मुलाकात हुई तुम्हारी? वही सब व्हाट्सएप या कुछ हुआ होगा, ऑनलाइन गेम्स. गलत है बच्चे, ऐसे नहीं करते. आप अपनी जिंदगी खराब कर रही हो. ये आदमी कौन है पीछे में आया? ये फादर है. जाइए आप पापा के साथ.
हाँ बताएं। पहले से लाइक बन तो जाओ कि शादी हो तुम्हारी। अभी शादी की चिंता मत करो, अभी पढ़ाई की चिंता करो, पढ़ाई करो। ये कहना पढ़ाई मन नहीं लगता गलत बात है। ये उम्र पढ़ने लिखने की, शादी करने की तुम्हारी, ये उपटांग ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए कैसे? गलत बात है। आप जाइए पापा के साथ में, घर में कायदे से रहिए, पढ़ाई करिए। वहां कुछ नहीं होगा, पापा क्यों मारेंगे? हम लोग मारेंगे क्यों? वो बच्ची है, वो स्टैंप स्टैंप नहीं, कोई फादर सब स्टैंप पे लिखवाते, मारोगे नहीं हमको? हाँ तो जो बोलना चाह रही हूँ हम लिख देंगे वहां ऑर्डर शीट में, और उसको बताएंगे भी, पर इधर आना, सामने आना तुम, इसको मारना वारना नहीं। हाँ बच्ची है, दिल का टुकड़ा ही बच्ची है मेरे, बिल्कुल ठीक बात है। लड़कियां होती हैं दिल का टुकड़ा बाप का, लेकिन उसको सिर्फ इज्जत से पालना। गलती हो गई ना समझ में, उससे माफ कर देना उसको, माफ करके ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होने से है? ना मारना ना कुछ कहना ना उसको, बल्कि उसको और समझाओ, अच्छी अच्छी अच्छे संस्कार दो उसको, ताकि आगे से कुछ बने, वो आप लोग का नाम नाम रोशन करे। कहीं ना कहीं आपकी परवरिश गड़बड़ रही है, जिसकी वजह से ये लड़की यहाँ वहां चली गई। देखो WP नंबर 802722, दिस पिटीशन आर्टिकल 226 बाय फादर। बच्ची ये काम आपका ठीक नहीं था। मैं कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं, मैं केवल ये कहूंगा कि आपकी अच्छी परवरिश हो, आप एक अच्छे इंसान बनो। सुनना है क्या लिखा आपने? अंडर हैज बीन फाइल्ड सीकिंग रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस ऑन एन एलिगेशन इंटर एलिया कंटेंडिंग दैट मिसिंग कॉर्पस, क्या नाम है इनका? शर्मा माइनर इज इन इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्डेंट नंबर 6। ऑन नोटिसेस इश्यूड कंसर्न SIT constituted, the head of the SIT constituted appeared before this court on 27-7-22. It stated that sincere efforts are being made for recovery of the corpus. Stop. As recorded on the case for the with the hope that efforts made by the police, the SIT, shall yield results. The case, the court posted the case for further orders today on 23rd of August 22. Stop. The corpus has been recovered and produced before this court. The corpus MS so-and-so states that on her own volition she had gone with respondent number 6 from Amba to Bihar and there from Ludhiana.